दोस्तों आज हम जानेंगे कि श्री गणेश महोत्सव की शुरुआत कब, कैसे और कहां हुई। तो बने रहें हमारे साथ और जानिए कि इसका इतिहास क्या है। गणेश चतुर्थी के पर्व पर पूजा प्रारंभ होने की सही तारीख किसी को ज्ञात नहीं है। हालांकि इतिहास के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि गणेश चतुर्थी 1630 से 1680 के दौरान छत्रपति शिवाजी के समय एक सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया जाता था। महाराज शिवाजी के समय यह गणेश महोत्सव उनके साम्राज्य के कुल देवता के रूप में नियमित रूप से मनाना शुरू किया गया था। पेशवाओं के अंत के बाद यह एक पारिवारिक उत्सव बना रहा। यह 1893 में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक द्वारा पुनर्जीवित किया गया। गणेश चतुर्थी एक बड़ी तैयारी के साथ एक वार्षिक घरेलू त्यौहार के रूप में हिंदू लोगों द्वारा मनाना शुरू किया गया था। सामान्यतः यह ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच संघर्ष को हटाने के साथ ही लोगों के बीच एकता को लाने के लिए एक राष्ट्र पर्व के रूप में मनाना प्रारंभ किया गया था। महाराष्ट्र में ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत साहस और राष्ट्रवादी उत्साह के साथ अंग्रेजों के क्रूर व्यवहार से मुक्त होने के लिए यह त्यौहार मनाना शुरू किया गया था। गणेश विसर्जन की यह रस्म बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित की गई थी। धीरे धीरे लोगों द्वारा यह उत्सव परिवार के समारोह के बजाय समुदाय की भागीदारी के माध्यम से मनाना शुरू किया गया। समाज और समुदाय के लोग इस पर्व को एक साथ सामुदायिक त्यौहार के रूप में मनाने के लिए बौद्धिक भाषण, कविता, नृत्य, भक्ति गीत, नाटक, संगीत समारोह, लोक नृत्य करना आदि क्रियाओं को सामूहिक रूप से करते हैं। लोग तारीख से पहले ही एक साथ मिलकर और यह उत्सव कैसे मनाएंगे इस बात को तय करते हैं और इस बात को भी देखते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित कैसे किया जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि गणेश जी का जन्म माघ महीने की चतुर्थी तारीख के दिन हुआ था। भगवान गणेश जी के जन्म की तारीख गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। आजकल यह त्यौहार हिंदुओं द्वारा एवं अन्य समुदायों द्वारा भी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह उत्सव भाद्रपद माह की चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिनों तक चलता है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। गणेश जी हिंदुओं के आदि आराध्य देव हैं। हिंदू धर्म में गजानन को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कोई भी धार्मिक उत्सव, यज्ञ, पूजन इत्यादि सत्कर्म हो या विवाह उत्सव हो, निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, इसीलिए शुभ के लिए गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। गणेश जी की प्रतिष्ठा संपूर्ण भारत में समान रूप से व्याप्त है। दक्षिण भारत में इनकी विशेषता कला शिरोमणि के रूप में है। मैसूर तथा तंजोर के मंदिरों में गणेश जी की अनेक नृत्य मुद्राओं के मनमोहक प्रतिमाएं हैं। श्री गणेश जी लोक मंगल के देवता हैं। लोक मंगल का उनका उद्देश्य है, परंतु जहां भी अमंगल होता है उसे दूर करने के लिए श्री गणेश जी अग्रणीय रहते हैं। गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं, इसीलिए उनकी कृपा से संपदा और समृद्धि का कभी भी अभाव नहीं होता। श्री गणेश जी को दुर्वा और मोदक अति प्रिय हैं। ज्योतिष शास्त्र में तीन गुणों का उल्लेख मिलता है, देव, मनुष्य और राक्षस। गणपति समान रूप से देवलोक, भूलोक और दानव लोक में प्रतिष्ठित हैं। श्री गणेश जी ब्रह्म स्वरूप हैं और उनके उदर में यह तीन लोक समाहित हैं, इसी कारण इनको लंबोदर कहते हैं। उनके उदर में सब कुछ समा जाता है और श्री गणेश जी सब कुछ पचाने की क्षमता रखते हैं। लंबोदर होने का अर्थ है जो कुछ उनके उदर में चला जाता है फिर वो वहां से नहीं निकल पाता। गणेश जी परम रहस्यमय हैं, उनके इस रहस्य को कोई भी भेद नहीं सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव ज़रूर लिखें। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाएं। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाकाल।